गुड मॉर्निंग। आज बात करते हैं पार्ट 5 रेल गेज के बारे में। रेल गेज क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आज कुछ डिस्कशन करेंगे। कंप्लीट डिस्क्राइब करने वाले हैं रेल गेज के बारे में। रेल गेज, द गेज ऑफ रेलवे ट्रैक इज डिफाइंड एज द क्लियर मिनिमम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इनर फेस ऑफ द टू रेल। दैट मीन्स दो रेल के इनर सरफेस की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, क्लियर जो मिनिमम परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो हमारा रेल गेज होता है। सीधा बोल सकते हैं कि दो रेल गेज, दो पटरियों के बीच की जो दूरी होती है, वो भी इनर सरफेस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, उसको हम रेल गेज में काउंट करते हैं। इस टाइप का डायग्राम है जो कि इसका इंटरनली एक डायग्राम रेल गेज का है, जो शो करता है कि रेल गेज क्या होती है। इसकी जो रेड लाइन्स जो शो हो रही है, वो रेल गेज का काम करती है। द डिफरेंट गेज कैन बी ब्रॉडली बी डिवाइडेड इन टू द फॉलोइंग फोर कैटेगरीज। गेज को चार कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है बोर्ड गेज, जिसकी विड्थ होती है 1676 mm से 1524 mm, और 5 feet 6 inches से लेकर 5 feet तक की इसकी विड्थ होती है। बोर्ड गेज के अंदर हम इसका यूज़ करते हैं। सेकेंड, स्टैंडर्ड गेज की जब बात करते हैं, स्टैंडर्ड गेज की जो विड्थ होती है 1435 mm एंड 1451 mm, या फिर इसको बोल सकते हैं 4 feet 8.5 inches। मीटर गेज की जो विड्थ होती है 1067 mm, 1000 mm एंड 915 mm, और 3 feet 6 inches, 3 feet 33.5 inches एंड 3 feet। चौथा होता है नैरो गेज, इसकी जो विड्थ होती है 762 mm एंड 610 mm, या फिर 2 feet 6 inches, या फिर 2 feet की गेज। ऐसे बेसिकली हमारे चार जो गेज होते हैं, उनकी ये इनर की स्पेसिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं। जैसे बेसिकली डायग्राम है, हर एक गेज के अकॉर्डिंग उनको फर्स्ट है नैरो गेज, सेकंड मीटर गेज, थर्ड स्टैंडर्ड गेज एंड फोर्थ बोर्ड गेज की विड्थ आइडेंटिफाई करी गई है। बोर्ड गेज, ए बोर्ड गेज रेलवे इज द रेलवे विद द ट्रैक गेज बॉर्डर देन द 1676 mm टू 1524 mm, और 5 feet 6 inches to 5 feet। स्टैंडर्ड गेज इज रेलवे। नेक्स्ट वो स्टैंडर्ड गेज, स्टैंडर्ड गेज रेलवे इज द रेलवे विद द ट्रैक गेज ऑफ 1435 mm एंड 1455 mm, और 4 feet 8 inches। द स्टैंडर्ड गेज इज आल्सो कॉल्ड द स्टेपनेस गेज आफ्टर गेरियो स्टेपनियस। यानी इनकी जो डायमेंशन के अकॉर्डिंग इनका जो गेज आइडेंटिफाई किया गया है। नेक्स्ट है मीटर गेज, मीटर गेज रेलवे आर विथ ट्रैक गेज ऑफ 106 mm, 1000 mm एंड 915 mm, और 3 feet 6 inches, 3 feet 33 inches एंड 3 feet। नैरो गेज, नैरो गेज रेलवे, नैरो गेज रेल रोड इन द यूएस के अंदर नैरो गेज का यूज़ किया जाता है, जो कि नैरो रेल रोड के नाम से भी जानते हैं। इन रेलवे विद द ट्रैक गेज नैरो देन विथ 762 mm एंड 610 mm, 2 feet 6 inches से लेकर 2 feet तक की इसके हम गेज डिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। नैरो गेज रेलवे हैज़ द स्पेशलाइज्ड यूज इन माइन एंड अदर इन्वायरमेंट वेयर ए स्मॉल स्ट्रक्चर गेज इंसेंटिसी एज ए स्मॉल लोडिंग गेजेस। जो नैरो गेज रेलवे होता है, उसका यूज स्पेशली हम माइनिंग्स के अंदर, इन्वायरमेंटल के अंदर, या फिर जहाँ पर स्मॉल लोडिंग का काम होता है, वहाँ पर नैरो गेज का यूज किया जाता है। दे आल्सो हैव द मोर जनरल एप्लीकेशन नॉन इंडस्ट्रियल नैरो गेज माउंटेन रेलवे आर कॉमन इन द रॉकी माउंटेन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट एंड द स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट ऑफ कैनेडा, मैक्सिको, स्विट्जरलैंड, द फॉर्मर यूगोस्लावियन, ग्रीकी और कोस्टा रिका। इसके अलावा भी हर एक जगह पर मीटर गेज का यूज़ किया जाता है। फॉलोइंग आर द फैक्टर अफेक्टिंग द चूज ऑफ ए गेज। गेज को चूज करने के लिए कुछ फैक्टर अफेक्टिंग हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। ट्रैफिक कंडीशन, इफ़ द इंटेंसिटी ऑफ ट्रैफिक ऑन द ट्रैक इज लाइकली टू बी मोर ए गेज वाइडर देन द स्टैंडर्ड गेज इज द सूटेबल। अगर ट्रैफिक कंडीशन आपकी ज़्यादा है, तो वहाँ पे हम लोग जो स्टैंडर्ड गेज होता है, वो सूटेबल प्रोवाइड करवाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ द पुअर एरिया, द नैरो गेज आर लेड इन द सर्टेन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू द डेवलप ए पुअर एरिया एंड दस लिंक द पुअर एरिया विद द आउटसाइड डेवलपमेंट वर्ल्ड। सेकेंड, जो डेवलपमेंट जो पुअर एरिया होता है, उसको डेवलप करने के लिए हम नैरो गेज का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर वहाँ पे नैरो गेज आपने प्रोवाइड कर दिया, तो वो जो पुअर एरिया है, वो इजीली डेवलप हो सकता है। कॉस्ट ऑफ ट्रैक, द कॉस्ट ऑफ रेलवे ट्रैक इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विड्थ ऑफ इट्स गेज। जो ट्रैक की जो कॉस्ट होती है, वो गेज की जो विड्थ होती है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
इफ द फंड अवेलेबल इज नॉट सफिशेंट टू कंस्ट्रक्ट द स्टैंडर्ड गेज ए मीटर गेज और ए नैरो गेज इज द प्रेफर्ड रेदर देन टू हैव नो रेलवे एट ऑल। अगर फंड अवेलेबल नहीं होता तो उस कंडीशन के अंदर आप या तो स्टैंडर्ड गेज, मीटर गेज या फिर नैरो गेज हम लोग प्रेफर कर सकते हैं। स्पीड ऑफ मूवमेंट, द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज़ द फंक्शन ऑफ द डायमीटर ऑफ व्हील विच इन टर्न इज लिमिटेड बाय द गेज। स्पीड ऑफ मूवमेंट डिपेंड करता है जो डायमीटर होता है व्हील का उसके ऊपर डिपेंड करता है। सेकेंडली उसके गेज के अकॉर्डिंग ये वर्क करता है। द व्हील डायमीटर इज यूजुअली अबाउट 0.7 टाइम्स द गेज विड्थ एंड दस द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज ऑलमोस्ट प्रोपोर्शनल टू द गेज। सेकेंड जो व्हील का जो डायमीटर होता है 0.75 टाइम ज़्यादा रखते हैं हम गेज के अकॉर्डिंग। इफ हायर स्पीड आर टू बी द अटेंड द बोर्ड गेज ट्रैक इज प्रेफर टू द मीटर गेज और नैरो गेज ट्रैक। नेचर ऑफ कंट्री, द माउंटेन कंट्री, इट इज एडवाइजेबल टू हैव ए नैरो गेज ऑफ द ट्रैक सिंस इट इज मोर फ्लेक्सिबल एंड कैन बी लेड टू द स्मॉलर रेडियस ऑन द कर्व। अगर हम नेचर ऑफ कंट्री की बात करते हैं, माउंटेन कंट्री की बात करते हैं, वहाँ पे इस टाइप से एडवाइजेबल होती है कि वहाँ पे नैरो गेज हम लोग यूज़ कर सकते हैं। दिस इज द मेन रीजन वाई सम इम्पोर्टेंट रेलवे कवरिंग थाउजेंड ऑफ किलोमीटर आर लेड विद द गेज ए नैरो इज 610 mm। दिस टाइप से हम लोग ये जो कंडीशन होती है इससे हम लोग इजीली दो रेल के बीच की डिस्टेंस को मेंटेन कर सकते हैं प्रॉपर हर एक प्लेस के अकॉर्डिंग। थैंक यू सो मच।